हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल Next News 9 को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। टॉयलेट के अंदर से आ रही थी चीखें। दरवाजा खुलते ही सामने आया ये सच। शाहजहांपुर यूपी। बुधवार को अहमदाबाद से सुल्तानपुर जा रही नॉनस्टॉप एक्सप्रेस में एक महिला यात्री का पैर ट्रेन के टॉयलेट में फंस गया। इसके बाद शाहजहांपुर स्टेशन पर ट्रेन को एक घंटे रोककर रेस्क्यू किया गया। इस दौरान महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसके साथ डॉक्टर की टीम को भी ट्रेन के साथ रवाना किया गया। यह है पूरा मामला। मामला अहमदाबाद सुल्तानपुर नॉनस्टॉप एक्सप्रेस का है। कोच नंबर S6 में सफर कर रही राजरानी नाम की महिला पति और 2 साल के बच्चे के साथ अहमदाबाद से अमेठी जा रही थी। महिला बच्चे को टॉयलेट ले गई थी। वहां अचानक उसका पैर फिसकर टॉयलेट के कमोड में जा फंसा। पति राजेंद्र ने बताया, पत्नी की चीख सुनकर मैं वहां पहुंचा और फिर TTE को घटना की जानकारी दी। अगले स्टेशन शाहजहांपुर पर ट्रेन को रोका गया। रेलवे कर्मचारियों ने उसका पैर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गैस कटर से टॉयलेट पाइप को काटकर पैर निकाला। क्या कहते हैं रेलवे अधिकारी? स्टेशन अधीक्षक शिव अवस्थी ने कहा, महिला का पैर ट्रेन के टॉयलेट में फंसने की सूचना मिली थी। 57 मिनट तक ट्रेन को रोका गया। गैस कटर से टॉयलेट पाइप काटा गया। इसके बाद उसका पैर बाहर निकला। घायल होने के कारण महिला के साथ डॉक्टर की एक टीम भी रवाना की गई।